please subscribe to Tiny Dreams channel. Press the bell icon to get more updates. The Happy Prince. पापा पापा मुझे कहानी तैयार करनी है जो दया और बलिदान का महत्व समझा सके। ये बहुत ही मशहूर कहानी है जिसे सुनकर तुम त्याग, करुणा, दया और निस्वार्थ भाव को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप इसे समझा सकते हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, द हैप्पी प्रिंस। शहर के बीचों बीच एक बहुत लंबा और खूबसूरत राजा का सोने का स्टैच्यू बना हुआ था। उसकी आंखों में कीमती हीरे जड़े हुए थे और उसकी तलवार पर एक लाल रंग की रूबी लगी हुई थी। एक दिन एक चिड़िया उस शहर में आई। स्टैच्यू के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही चिड़िया ने पंख से अपना चेहरा साफ किया, अचानक उस पर पानी की एक बूंद गिरी। कितनी अजीब बात है, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है, फिर यह बारिश की बूंद कहां से गिरी? अचानक फिर एक बूंद चिड़िया पर जा गिरी। तब चिड़िया ने ऊपर देखा तो उसकी नजर स्टैच्यू की आंखों से गिरते हुए आंसुओं पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया ने पूछा। जब मैं जिंदा था और मेरे पास दिल भी था, स्टैच्यू ने कहा, मैं खूबसूरती और खुशियों से घिरा हुआ था, अपने राजमहल में मजे से रहता था और सब मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे। पर अब जब मैं मर चुका हूँ और इतनी ऊंचाई से लोगों का दुख देख सकता हूँ, मैं चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम क्या देख रहे हो? चिड़िया ने पूछा। मैं एक घर देख सकता हूँ जहाँ एक औरत है और वो एक गाउन सिल रही है। घर के एक कोने में एक छोटा बच्चा बहुत भूखा और बीमार रो रहा है, पर उसकी गरीब माँ के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। चिड़िया, क्या तुम मेरी तलवार पर लगी रूबी निकालकर उस गरीब औरत को दे सकती हो? मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। चिड़िया मान गई और अपनी चोंच से वह रूबी निकालकर उस गरीब औरत के घर की ओर पड़ गई। जब वह उस घर में पहुंच गई, उस चिड़िया ने वह रूबी जाकर एक टेबल पर रख दी और छोटे बच्चे को जो रो रहा था उसे अपने पंखों से हवा देने लगी। चिड़िया वापस उस स्टैच्यू के पास लौट गई। वह रात उसने उस स्टैच्यू के पांव पर बिताई। अगले दिन चिड़िया उस शहर की सैर कर वापस प्रिंस के पास पहुंची और विदा लेने गई। बाय बाय प्रिंस, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
ताकि हम साउथ की ओर अपना सफर शुरू कर सकें। ओह, मत जाओ चिड़िया, मत जाओ। एक और रात मेरे साथ रह लो। यहाँ से मैं एक लेखक को देख रहा हूँ जो बच्चों के लिए एक नाटक लिख रहा है। वह भूखा है और उसे ठंड लग रही है। ठीक है, ठीक है। चिड़िया को उस लेखक पर दया आई और वह रुक गई। मैं क्या ले जाऊँ उसके लिए? मेरी एक आंख का नग निकालकर उसे दे दो। उस चिड़िया ने प्रिंस की एक आंख निकाली और जाकर लेखक को दे दी। जब वह लेखक उठा और उसने उस हीरे को देखा तो बहुत खुश हुआ। ओह, जरूर यह तोहफा है जो किसी नेक आदमी ने भेजा होगा। अब मैं अपना प्ले जरूर खत्म कर पाऊंगा। अगले दिन समुंदर पर जाने के बाद चिड़िया स्टैचू से अलविदा कहती है। बाय बाय प्रिंस। धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है और जल्दी स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगी। अब तक मेरे दोस्त ने सफर शुरू भी कर दिया होगा। प्लीज बर्ड, प्लीज सिर्फ एक और रात मेरे साथ रहो। नीचे मुझे एक गरीब लड़की दिख रही है। वह पैसे कमाने के लिए माचिस बेचती है, लेकिन उसकी सारी माचिसें नदी में गिर गई हैं। अगर उसने पैसे नहीं कमाए तो उसके पिता उसे बहुत डांटेंगे। मेरी दूसरी आंख निकाल कर उस लड़की को दे दो। तभी चिड़िया उस लड़की के पास चली गई। उसने एक हीरा उसके हाथ में दे दिया। कितना सुंदर है। उसके बाद चिड़िया प्रिंस के पास आई और बोली। अब तो तुम अंधे हो गए हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं शहर घूमूंगी और तुम्हें सब बताऊंगी जो मैं देख पाऊंगी। चिड़िया अब शहर की सारी गरीबी देख पा रही थी जिसके बारे में वह प्रिंस को बताती थी। सभी गरीब लोग बहुत दुखी रहते थे। मेरे ऊपर का सोना तुम उन गरीबों को दे दो। चिड़िया प्रिंस पर लगा सोना सभी शहरवासियों में बांट देती। अब सभी के पास खाने के लिए रोटी थी। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी और ठंड बढ़ने लगी। चिड़िया ब्रेड के बीच में सो जाती और अपने पंखों को हिलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती। जल्द ही उसे लगा कि वह मर जाएगी। बहुत हिम्मत कर वह प्रिंस के पास गई और बोली। गुड बाय प्रिंस, अब मैं जा रही हूँ। अब तुम इजिप्ट जाकर खुशी से रह पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। मैं
इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरकर उनके देश जा रही हूँ। मैं तुम्हें भी बहुत याद करूंगी। चिड़िया ने प्रिंस के सर को चूमा और उसके पैरों पर गिर गई। उसी समय प्रिंस के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और आवाज हुई, उसी दिन शहर के मेयर ने प्रिंस के स्टैच्यू को तोड़ने का आदेश दे दिया। स्टैच्यू को जलाने की बहुत कोशिश की गई, पर वह नहीं जला। उसका दिल जला ही नहीं और वह चिड़िया की लाश के साथ ही फेंक दिया गया। इस दिल को रखने की कोई जरूरत नहीं। उसी समय भगवान ने अपनी एक परी को धरती से सबसे बेमिसाल चीज लाने को कहा। परी चिड़िया का शरीर और प्रिंस का दिल लेकर आई। तुमने सही चुना, भगवान ने कहा। चिड़िया को अब इस गार्डन में हमेशा के लिए रखना होगा। ये यहीं हमारे पास रहेगी और गाना गाएगी। प्रिंस अब से मेरे गाने गाएगा, इस खूबसूरत जगह पर हमारे साथ रहेगा।